आइए चलते हैं अपने एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस। क्रिटिकल एंगल क्या था? क्रिटिकल एंगल वही था कि जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पॉइंट पर पहुंच जाए कि हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, तो उस टाइम जो हमारा इंसिडेंट एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यही है कि व्हेन अ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस हुज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बता देनी है। उसके बाद कहता है रिलेशनशिप बताएं क्रिटिकल एंगल का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो ये बात आपको पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो n = sin r over sin i होता है, और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो 1 over n = sin i over sin r होगा, और इसमें sin i जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल होता है ना, और इसमें जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं कि sin i over sin r, और sin i को उसने एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल कह दिया तो इस वजह से c आ गया, और रिफ्रैक्टेड एंगल उसमें 90 डिग्री होता है अक्रॉस द नॉर्मल, तो 1 over n = sin c over 90, और sin 90 आपको पता है कि c के इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो u हमारे पास sin c = 1 over n या n = 1 over sin c आ जाएगा। इसमें n क्या है हमारे पास? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और c क्या है हमारे पास? क्रिटिकल एंगल। तो अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करते हुए ये वाली छोटी सी डेरिवेशन कर देनी है जिसमें हमारे पास n = 1 over sin c।